नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 2.2 इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जो था निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका थर्ड भाग अब हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो बहुपद है वो प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर इसलिए नहीं है क्योंकि एक्स की घात 2 पहले है, बिना एक्स वाली रकम बाद में बीच में, और एक्स वाली एक रकम अंत में। तो इसको पहले हम प्रॉपर करके लिख लेते हैं। प्रॉपर कैसे होगा, सबसे बड़ी घात पहले 6x2, उसके बाद इसकी घात है 1 तो 7x बाद में, और -3 सबसे अंत में। ax2 प्लस bx प्लस c ये अब बना है। तो इसके हिसाब से जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हम x2 के साथ वाली रकम को बिना x वाली रकम के साथ गुना करते हैं। तो 6 ये हमारे पास आ गया 18, 6 को 3 से गुना करके हमारे पास आ गया 18, प्लस इंटू माइनस आ गया माइनस। इसको आप ध्यान से देखेगा। अब हमें सबसे पहले 18 के फैक्टर निकालने होते हैं कि किस किस पहाड़े में 18 आएगा। तो 1 के पहाड़े में 18 आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा 2 9 18, 3 के पहाड़े में आएगा 3 6 18। इनके अलावा और कहीं भी किसी भी पहाड़े में 18 नहीं आता। अब हमें देखना इनको, इनमें से किसको प्लस या माइनस करके ये बीच वाली रकम है 7 आएगी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखें, 18 को तो 1 प्लस करके 19 और 1 माइनस करके आएगा 17, 9 में 2 प्लस करेंगे तो आएगा 11 और 9 में से 2 माइनस करके आएगा 7, 6 में 3 प्लस करके आएगा 9 लेकिन 6 में से 3 माइनस करके आएगा 3। तो ये जो बीच वाली रकम है ना 7, ये आ रही है यहां से 9 और 2 को माइनस करके। इसका मतलब हमें ये जोड़ा भी नहीं चाहिए, ये जोड़ा भी नहीं चाहिए, हमें ये वाला जोड़ा चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यही वाला जोड़ा 2 और 9 हमें चाहिए। तो पहला स्टेप क्या था, आपको ध्यान होगा, पहली रकम को ऐसे ही लिखना है, पहली रकम है 6x2, आखिरी रकम है -3, इसको भी ऐसे ही लिखना है। और जो बीच वाला, बीच में हमने क्या लिखना है, ये जो जोड़ा हमने लिया है 2 और 9, इन्हीं को लिखना है, साथ में x लगा देना है, 2x 9x। अब इनके अभी निशान लगाने हैं प्लस या माइनस। तो ये यहां से पता चलता है, अगर यहां माइनस है तो ये दोनों निशान एक दूसरे से उल्टे होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ठीक है, तो अब कौन सा प्लस कौन सा माइनस होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, ये बीच वाला निशान देखेंगे, ये बीच वाला निशान है माइनस, तो ये माइनस आएगा बड़ी रकम के साथ, बड़ी रकम है 9 तो इसके साथ आ गया माइनस, तो दूसरी के साथ उल्टा निशान, उल्टा यानी प्लस। एक के साथ माइनस, एक के साथ प्लस बोला था ना, तो बड़ी के साथ बीच वाली रकम का साइन माइनस और छोटे के साथ प्लस, ताकि इन दोनों को हल करके माइनस प्लस माइनस 9 में से 2 निकाले, -7x आ जाए। ठीक है, ये -3 इसके साथ ही है, ये ज्यादा गैप छूट गया, इतना गैप नहीं रखना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके दो जोड़े बना लेने हैं, ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। और हम इसमें क्या करेंगे, देखो ये 6x2 है, ये 2x, एक तो इनमें x कॉमन है, यहां भी है यहां भी है, यहां 2 है यहां 1 है, तो 1x कॉमन आ गया। ये भी 2 के पहाड़े में आता है, ये भी 2 के पहाड़े में आता है, तो 2 भी कॉमन आएगा। बाकी क्या बच गया, 6x2 को में से 2x कॉमन, तो 6 को 2 से भाग किया 3, x2 को x से भाग किया 1x कट जाएगा, 1x बच जाएगा, आगे है प्लस। 2x में से 2x ही बाहर चला गया, बाकी रह गया 1, 0 नहीं 1, 1 बचा यहां पे। उसके बाद देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पर इस जोड़े में ये माइनस है, ये माइनस है, एक तो माइनस कॉमन ले लो, दूसरा ये 3 के पहाड़ में आता है, ये भी 3 के पहाड़ में आता है, तो 3 कॉमन ले लो, और x यहां है यहां नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, बस -3 ही आएगा। -9x को -3 से भाग किया, माइनस से माइनस कट गया प्लस, 9 को 3 से भाग करके आया 3, साथ में x भी बचा क्योंकि x बाहर नहीं गया था, माइनस बाहर चला गया तो बाकी बच गया प्लस, 3 में से 3, 3 को 3 से भाग किया तो बाकी बच गया 1। आपने देखना यह है कि यहां पर भी सेम ब्रैकेट और यहां पर भी सेम ब्रैकेट आनी चाहिए, और यदि आप सही करेंगे तो ये आएगी भी। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, यहां भी 3x+1 है, यहां भी 3x+1 है, ये 3x+1 आ गया कॉमन, इस ब्रैकेट में से 3x+1 बाहर चला गया तो बाकी बच गया 2x, और इस ब्रैकेट में से 3x+1 बाहर चला गया तो बाकी रह गया -3। इन दोनों को हम 0 के बराबर रख देंगे, बराबर 0, और 2x माइनस, क्योंकि हमें शून्य चाहिए इसलिए इनको शून्य के बराबर रख रहे हैं। तो यहां से देखिए 3x बराबर 1 इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस, और यहां पर -3 इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाकर +3 हो जाएगा। अगले स्टेप में x बराबर -1, 3 इधर गुना हो रहा है उधर जाके हो जाएगा भाग, अगले स्टेप में 3 यहां पहले से ही है, 2 इधर गुना हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा भाग। ये हमारे पास दो शून्य आ गए, ये हमारे पास
दो शून्यक आ गए। अब हमें क्या करना है, शून्यक और गुणांकों में संबंधों की जांच। तो मैं यहां लिखता हूं शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है जी। सबसे पहले शून्यकों का योगफल। अब योगफल का फॉर्मूला फटाफट से रिवाइज करके बताओ मुझे, क्या था शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला? योगफल का फॉर्मूला था माइनस बी बटा ए। ठीक है, माइनस बी बटा ए। अब माइनस बी और ए बी सी कहां से पता चलेगा? इसके लिए हमारा जो ये बहुपद है, 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है, इसको मैं कंपेयर करूंगा ax² प्लस bx प्लस c के। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट से देखेंगे हम कि देखो यहीं से x² के साथ है, x² के साथ 6, तो a किसके बराबर आ गया 6 के, b किसके बराबर आ गया, x x छोड़ दो, बाकी b किसके बराबर आ गया माइनस 7 के, और c किसके बराबर आ गया देखो यहां से माइनस 3 के। ठीक है, ये सारा रफ वर्क है लेकिन आपको करना होता है ये भी। ठीक है, तो माइनस शून्यकों का योगफल था माइनस बी बटा ए, बटे का निशान माइनस बी, ये पहले तो ये वाला माइनस लगाया, बी में भी माइनस है माइनस 7, तो ये दो निशान इकट्ठे ना हो इसलिए माइनस ब्रैकेट, ए है 6। अब इसको यदि ध्यान से देखें तो ये आ गया माइनस इंटू, माइनस इंटू माइनस प्लस 7, नीचे है 6, तो ये आ गया 7/6। अब शून्यकों का योगफल निकालो, शून्यक है माइनस 1/3 प्लस दूसरा है 3/2, इनको योगफल निकालना है, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 6, 6 को 3 से भाग किया 3, 3 को माइनस 1 से गुना किया माइनस 3, प्लस का निशान है तो प्लस, 6 को 2 से भाग किया 3, 3 को ऊपर 3 से गुना कर दीजिए 3 3 9। नो सॉरी, यहां पे एक गलती हो गई है कि 6 को 3 से भाग करके आना था 2, 2 को माइनस 1 से गुना करके आना था माइनस 2, तो ये है माइनस 2 और ये है प्लस 9। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, मैं इसको दोबारा लिख दूं अगर आपको नहीं समझ आ रहा, तो ये है माइनस 2 प्लस 9/6। ठीक है, इसको हम काट देते हैं। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 निकाले 7/6, 7 बड़ी रकम का प्लस। अब आप ध्यान से, आपके सामने ही है कि ये भी आया था 7/6 और ये भी आया था 7/6, ये दोनों बराबर हैं, यानी योग हमारा शून्यकों का योगफल फॉर्मूले से भी वही आया और असल में भी शून्यकों को योग करके वही आया। इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे गुणनफल। गुणनफल का फॉर्मूला है सी बटा ए, तो सी बटा ए, सी कितना है देखो माइनस 3/ए कितना है 6, जब ये आपस में कटेंगे तो 3 से 6 कट जाएगा ऐसे, तो ये हमारे पास बच गया, ऊपर बच गया माइनस 1 और नीचे बच गया 2, ये आया है गुणनफल। अब हम वैसे देखते हैं हमारे शून्य क्या क्या थे, माइनस 1/3 और दूसरा शून्य क्या था 3/2, इनको आपस में गुना करके देखते हैं। तो देखो ध्यान से, आपके सामने 3 से 3 कट जाएगा और बाकी क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा माइनस 1 और नीचे बच जाएगा 2। हम ध्यान से देखेंगे, ये भी माइनस 1/2 है और ये भी माइनस 1/2 है, तो योगफल भी सेम आया, गुणनफल भी सेम आया, तो आप क्या लिखेंगे, अतः यदि आप पूरी लाइन पिछले शब्दों में नहीं लिखते आए, पिछले पार्ट्स में, इसमें आप देखो ऐसे लिख सकते हो, शून्य को और गुणांकों में संबंध की सत्यता स्थापित हुई। यदि आप चाहें तो पहले और दूसरे भाग में भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, जहां से ना समझ आया हो उसको दोबारा से एक बार देख लीजिएगा। धन्यवाद।